नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IT ज्ञान में। दोस्तों, हमारी लाइफ में WhatsApp बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। हम कुछ भी यूज़ करें ना करें, फ़ोन में WhatsApp ज़रूर यूज़ करते हैं। हर किसी से बात करने के लिए, चैट करने के लिए, कुछ भी शेयर करने के लिए WhatsApp को हम लगभग डेली ही यूज़ करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप किसी अननोन से बात करते हैं, कुछ चीज़ मंगाते हैं या भेजते हैं या कुछ भी कोई भी हेल्प चाहिए होता है, WhatsApp बहुत यूज़फुल होता है। कि फ़ोटो भेज दीजिए, वीडियो भेज दीजिए, लोकेशन भेज दीजिए, मैसेज कर सकते हैं आप, उसमें नंबर शेयर कर सकते हैं, काफ़ी कुछ होता है। और WhatsApp को भी ये बात पता है, इस वजह से आप देखेंगे कि पिछले एक साल में या डेढ़ साल में हम बात करें तो WhatsApp ने बहुत ज़्यादा WhatsApp पे काम किया है, एप्लीकेशन पे काम किया है और नए नए फीचर्स हमारे लिए लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो पिछले कुछ समय से WhatsApp में आए हुए हैं और कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो अभी आने वाले हैं और आपके लिए भी काफ़ी काम के हो सकते हैं। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको पता चल गए होंगे फ़ोन में, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा। हो सकता है आपका WhatsApp अपडेट हो चुका हो लेकिन आपको उस फीचर के बारे में पता ही ना हो। तो चलिए आज के वीडियो में डिटेल में बात करते हैं इन सब फीचर्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम ऑडियो फीचर के बारे में बात करते हैं। अगर आप WhatsApp यूज करते हैं तो हो सकता है कई बार आपने मैसेज करने के बजाय आपने कुछ रिकॉर्ड करके भेजा हो, पर आपने देखा होगा कि अब से पहले जब भी आप मैसेज रिकॉर्ड करते थे, ऑडियो पे माइक पे क्लिक करते थे और उस मैसेज को रिकॉर्ड करते थे और वो चला जाता था, या तो आप डिलीट कर सकते या भेज सकते थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये WhatsApp एक फीचर आ चुका है जिससे क्या होगा कि आप रिकॉर्ड करने के बाद उस मैसेज को पूरा सुन सकते हैं और उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ये ऑडियो भेजना है या नहीं है। आप उसको जब रिकॉर्ड करेंगे वो आपको कंप्लीट हो जाएगा और आप उसके बाद आपको प्रीव्यू का ऑप्शन देता है, तो आप प्रीव्यू करके उस मैसेज को कंप्लीटली सुन सकते हैं, सेटिस्फाई हो सकते हैं और उसके बाद मैसेज को भेज सकते हैं। साथ ही दूसरे फीचर की बात करें तो जब आप मैसेज को रिकॉर्ड करते हैं तो हो सकता है आप थोड़ा सा रुक जाएं या कुछ भी रीज़न हो सकता है आपको कंप्लीट मैसेज रिकॉर्ड ना कर पाएं, तो आप मैसेज को पॉज कर सकते हैं और बाद में वहीं से आगे की तरफ बढ़ा के प्ले करके आप उस मैसेज को कंटिन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में आप उसको भेज सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा हो चुका है। आप मैसेज एक रिकॉर्ड करिए, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन आपको बीच में रुकना है, रोक सकते हैं, फिर से कंटिन्यू रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको सुन सकते हैं और जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएं तब आप उसको भेज सकते हैं। हो सकता है इसके बारे में आपको पहले से पता है और अगर नहीं पता है तो अब आपको ये पता चल चुका है। अगली फीचर की बात करें दोस्तों, आउट ऑफ चैट प्ले। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा कि कोई भी आपके पास कोई वीडियो आता है वो YouTube का WhatsApp में, तो आप क्या करते हैं उसको ओपन करते हैं और वहीं पर प्ले कर लेते हैं। और अगर आप बाहर जाते हैं तो आप बाहर भी जा सकते हैं, आराम से वीडियो प्ले होता रहेगा। लेकिन ये ऑडियो के साथ नहीं था, ऑडियो को आप में WhatsApp में ही रह के आपको सुनना पड़ता था। अब आप ऑडियो मैसेज को सुन सकते हैं, जैसे ही आप प्ले करेंगे ऑडियो चलना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ ही अगर आपको फ़ोन में WhatsApp से बाहर जाना है, कुछ और ऐप खोलना है, कुछ भी करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप मैसेज भी सुन सकते हैं, साथ में WhatsApp भी चला सकते हैं या दूसरे चीज़ें फ़ोन में करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इससे पहले ये आपके फ़ोन में ऐसा फीचर नहीं था। अगली फीचर की बात करें दोस्तों, तो आप जब मैसेज सुनते हैं तो उसकी स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप YouTube वगैरह देखते हैं तो आपने देखा होगा कि YouTube में आप जो भी वीडियो प्ले करते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, अगर वीडियो स्लो है तो आप उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि वो जल्दी से ख़त्म हो जाए और फास्ट अच्छे से चले। तो आप सेम ऑडियो में भी कर सकते हैं, WhatsApp में जो भी आपके पास मैसेज आएंगे, जब जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आएंगी आप उसको आराम से सुन सकते हैं और उसके साथ ही उसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। अच्छी बात ये है दोस्तों कि आपने एक मैसेज को हाई स्पीड पर सुन लिया है, लेकिन अगली बार जब कोई नया मैसेज आएगा, नया ऑडियो फाइल आएगी आपके पास, तो आप उसको ऑन करेंगे तो जो आपने लास्ट फाइल को सुना था जिस स्पीड पर, उसी स्पीड पर ये ऑन होगा और उसी स्पीड पर चलेगा। तो कहने का मतलब है WhatsApp उस स्पीड को सेव कर लेगा और बाद में जो भी फाइल आप सुनेंगे उसको उसी स्पीड पे प्ले करेगा। अगली फीचर की बात करें तो दोस्तों, ये भी ऑडियो से ही रिलेटेड है। अगर आपने देखा होगा कि आपके जो चैट है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं ऑडियो पे, तो आप क्या देखेंगे कि बहुत सारे लगातार मैसेज आते हैं तो आपको एक एक करके प्ले करना पड़ता है। लेकिन WhatsApp ने इसमें क्या किया है कि आपको कंटिन्यू प्ले का ऑप्शन दे दिया है। अगर आपके एक चैट में बहुत सारे ऑडियो मैसेजेस हैं, आप एक को प्ले कर दीजिए, वो एक एक करके सारे प्ले होते रहेंगे, जो भी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अपने आप प्ले होते रहेंगे। आपको हर एक मैसेज पर जाके, हर एक ऑडियो फाइल पर जाके प्ले का बटन नहीं दबाना पड़ेगा। आपने एक फर्स्ट वाले फाइल को प्ले कर दीजिए और सारे उसके बाद में जितने भी हैं वो सारे प्ले होते रहेंगे अपने आप ही। तो ये भी कमाल का फीचर है। दोस्तों, अभी हाल में कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जब आप WhatsApp पे कोई भी मैसेज रिकॉर्ड करते हैं या कोई भी सुनते हैं तो उसमें कुछ एक वेव फॉर्म बन के आता है। तो वेव फॉर्म देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। इसको WhatsApp ने हाल ही में, पिछले कुछ समय में ही इसको अपग्रेड करके ऐसा
थोड़ा किया है। इससे पहले अगर आप देखते थे तो एक सिंपल लाइन जाती थी और उसमें थोड़ा सा आपको कुछ देखने को मिलता था, लेकिन अब ये कम्प्लीटली वेव फॉर्म में हो गया है जो कि लुक वाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। आपको लगता है हाँ कुछ प्ले हो रहा है, कुछ ऑडियो जिस तरीके से आपकी ऑडियो चलती है उस तरीके से फॉर्म भी वेव फॉर्म भी चलती रहती है। दोस्तों व्हाट्सअप में अगले फीचर की बात करें तो दोस्तों अब आप व्हाट्सअप में कोई भी ऐसा मैसेज जो कि बहुत ज़्यादा बार फॉरवर्ड हो चुका है उसको अब आप 5 लोगों तक फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। उससे व्हाट्सअप ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, सिर्फ एक ग्रुप या सिंगल चैट में आप उसे भेज सकते हैं। ऐसा कोई भी मैसेज जो बहुत ज़्यादा व्हाट्सअप की नज़र में आ चुका है कि बहुत ज़्यादा बार फॉरवर्ड हो चुका है, उस मैसेज को व्हाट्सअप रिस्ट्रिक्ट कर देगा सिर्फ एक ग्रुप में या एक इंडिविजुअल चैट में भेजने के लिए। दोस्तों अभी तक क्या होता है, व्हाट्सअप में आप अपने जो भी स्टेटस लगाते हैं अगर आप उसे किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं तो उनको आप वहाँ पे जाके स्टेटस में जाके उनको हाइड कर देते हैं। लेकिन अब व्हाट्सअप में एक और ऑप्शन आ चुका है जिससे कि आप सेम तरीके से आप उसमें DP और लास्ट सीन को भी हाइड कर सकते हैं। जिस जिसको आपको दिखाना है उसके लिए रहने दीजिए और बाकी जिसको नहीं दिखाना है उसे हाइड कर सकते हैं। वो सेम स्टेटस की तरह, जैसे वो आपका स्टेटस नहीं देख सकता है वैसे ही वो आपकी DP या आपका लास्ट सीन भी नहीं देख पाएगा। दोस्तों व्हाट्सअप में आपने कई बार इमोजेस यूज़ किया होगा और कमाल कमाल की इमोजेस व्हाट्सअप में रहती हैं जो उसको काफ़ी अच्छा बनाती है, काफ़ी फन भी आता है, काफ़ी इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर आपने ध्यान से देखा है इमोजेस को आप पाएंगे कि कुछ नए तरह के इमोजेस भी उसमें आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अपना व्हाट्सएप पे इमोजेस चेक करिएगा, आपको कुछ ऐसे इमोजेस मिलेंगे जो आज से पहले आपके व्हाट्सएप पे नहीं थे। दोस्तों इमोजेस की बात कर रहे हैं तो आपको एक और फीचर बता दें जो कि अभी सबको नहीं मिला है, हो सकता है आपके फ़ोन में ना हो, बीटा टेस्टर्स को मिला है और बहुत से कम लोग इसको अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। तो व्हाट्सएप ने क्या किया है कि आप अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम में कोई मैसेज आता है तो आप उसको रिएक्ट कर सकते हैं, सिर्फ उस मैसेज को रिएक्ट कर सकते हैं। सेम तरीके से आप व्हाट्सएप में भी आपको अगर कोई मैसेज आता है तो उस मैसेज को उसको प्रेस करके रिएक्ट कर सकते हैं। अभी तक क्या होता है हम अलग से इमोजीज भेजते हैं, उस मैसेज पे नहीं जाता है, लेकिन अब आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि आप एक पर्टिकुलर मैसेज में अपना रिएक्शन दे सकते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है व्हाट्सएप को। दोस्तों इमोजीज में एक और फीचर आपको बता दें कि अगर आप जब भी कुछ टाइप करते हैं, जैसे कि आपने टाइप किया पिज़्ज़ा, तो आप देखेंगे कि आपको व्हाट्सएप सजेस्ट करता है पिज़्ज़ा की इमोजी। अगर आपने कार लिखा तो आपको कार की इमोजीज आता है, इस तरीके से हाउस लिखा है, कुछ भी आप कोई चीज़ लिखते हैं तो उस तरह का इमोजीज व्हाट्सएप आगे सजेस्ट करता है। तो ये लगभग सभी के लिए रोल आउट हो चुका है। अगर आपके पास अभी नहीं आया तो हो सकता है आपका व्हाट्सएप अपडेट ना हो, अगर आप अपना व्हाट्सएप अपडेट कर लेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे कि टेक्स्ट स्पेलिंग सजेस्ट करता है व्हाट्सएप, उसी तरीके से आपको इमोजेस भी सजेस्ट करता है। दोस्तों एक और कमाल का फीचर व्हाट्सएप में है, लेकिन ये फीचर सभी के लिए नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आप अपने फेसबुक में एक कवर इमेज लगा सकते हैं उस तरीके से आप व्हाट्सएप में भी एक कवर इमेज लगा सकते हैं, लेकिन ये फीचर सभी के लिए नहीं है। ये सिर्फ अगर आपके पास कोई बिजनेस अकाउंट है तब ही आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस अकाउंट बेसिकली बिजनेस को प्रमोट करने के लिए होता है, तो आप इस तरीके से अगर आप बिजनेस अकाउंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको एक कवर इमेज लगाने का ऑप्शन आता है फेसबुक की तरह, और वहाँ पे अपने आप कवर इमेज लगा के अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों आपको एक और फीचर के बारे में बता दें जिससे कि क्या है, आप अपने व्हाट्सएप में जब भी कोई मैसेज डिलीट करते हैं तो उसका एक कोई टाइम होता था। आज से पहले तो ऐसे ही होता था कि एक लिमिटेड टाइम में आप मैसेज को डिलीट कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप में आप एक किसी मैसेज को अगर डिलीट करना चाहते हैं किसी के लिए या अपने लिए किसी के लिए भी, तो उस मैसेज को आप कभी भी डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको ये पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये नहीं पता था और अभी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आप व्हाट्सएप में बहुत ही जल्द आने वाले हैं, जैसे कि आप बहुत ही जल्द अपने व्हाट्सएप से 2 GB तक की फाइल शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ग्रुप में एडमिन हैं और आप देखते हैं कि ग्रुप में कुछ ऐसे मैसेज हैं जो उस ग्रुप में नहीं होने चाहिए, तो आप किसी भी मैसेज को कभी भी किसी भी वक्त डिलीट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तो दोस्तों ऐसे कमाल के फीचर हैं जो व्हाट्सएप में आ चुके हैं और बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो आने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही जल्द मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये फीचर किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से आप इन्हें यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर इस वीडियो में सबको एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर होकर ये वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए। मुझे मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।